हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आई एक रिजल्ट्स के बारे में। फाइनली जो है अब आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बिहार जो है राजस्व विभाग का रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली रिजल्ट्स आउट कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आप अपना नाम कैसे चेक कर पाएंगे, आपका रिजल्ट्स में नाम आया है या नहीं आया, कैसे चेक करना है, इसके बारे में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपका रिजल्ट्स में नाम आ गया है, ज्वाइनिंग लिस्ट में आपका नाम आ गया है, तो फिर आपको जो है क्या करना है, आगे का प्रोसीजर क्या है, ये भी बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप नए हो, आप इसी तरह की डेली बेसिस पे नई नई जॉब्स के अपडेट पाना चाहते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे नई नई जॉब्स की अपडेट देता रहता हूं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां भी डेली बेसिस पे नई नई जॉब्स की अपडेट मैं देता रहता हूं, आप एक बार जाकर चेक कर लेना। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आप लोगों को डायरेक्टली उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना चाहूंगा, जो बिहार एलआरसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे और रिजल्ट्स चेक कर पाओगे। गाइज, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो बिहार एलआरसी का जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद क्या है, जो लेटेस्ट अपडेट जो होती है वो राइट साइड में शो होता है, यहाँ पे ब्लिंक करके यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे अगर अभी नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ पाएं। यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट जो आई है, एक्चुअली अपडेट तो पहले आ गई थी, बट मैं आप लोगों को बताना भूल गया, अपडेट नहीं कर पाया मैं आप लोगों को। बट यहाँ पे अपडेट्स की बात करूँ, दो अपडेट्स आई है, ठीक है। पहला है रिजल्ट्स के बारे में, कि अपना रिजल्ट्स जो है, अपना नेम जो है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नंबर वन। एंड सेकंड ये है कि अगर आपका नाम जो है इस रिजल्ट्स में आ गया है, इस ज्वाइनिंग लिस्ट में आ गया है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है ये फॉर्म जो है ये आपका जो स्थगित कर दिया जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको जॉब नहीं दी जाएगी। तो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द इसको चेक करें, एंड उसके बाद जो है आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स जो भी है अपलोड कर ले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिजल्ट्स लिस्ट पे ले जाना हूँ, कैसे चेक करना ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट देखने के बाद आप ट्राई कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बट पहले वीडियो को देखें, तभी आप समझ पाएंगे कैसे डाउनलोड करना है, नाम कैसे अपना चेक कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें जरूर। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, रिजल्ट्स का जो ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे, न्यू पे क्लिक हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा। जैसे ही आप उस रिजल्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स मेंशन किया गया। तो इसमें चेक कैसे करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस, जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग नोटिस रिलीज किया गया, ठीक है। एंड ये जो रिक्रूटमेंट जो रिजल्ट्स के बारे में आपको बता दूँ कि ये रिजल्ट्स जो है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए है, ठीक है। सिर्फ एक तरह की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, एंड मुझे पता है कि बहुत सारे रिजल्ट्स का और भी वेट हो रहा है, जैसे अमीन के पोस्ट के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट है जिसका जो है वेट हो रहा है। बट अभी जो रिजल्ट्स की बात की जा रही है वो अमीन की रिजल्ट्स की बात नहीं की जा रही है, अभी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बात हो रही है। तो चेक कैसे करना पड़े, तो सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी देखना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या एससी एसटी ईबीसी से हो, तो आपको उसके सामने वाला जो यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लू कलर में, जो आपको दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है आपको डाउनलोड करना, सपोज करो कि मैं यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी का जो है डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे इसके सामने क्लिक करता हूँ, तो इसका नोटिस हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगा मेरे सामने कि किस किस कैंडिडेट का नाम है और क्या क्या बताया गया है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ आपको। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, एक जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एंड इसमें जो लिस्ट वाइज जो कैटेगरीज वाइज सबका नाम मिल जाएगा। तो आप जिस कैटेगरी से हो, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। और आपको अपना नाम चेक करना है, यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेंट्स नेम बताया गया है, एंड एप्लीकेंट्स नेम चेक कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हो टोटल नेम जो है बताया गया है। फिर उसके बाद कैटेगरी देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का डाउनलोड करना है। डेट ऑफ के बारे में बताया गया, जेंडर मेल फीमेल, इसमें अगर आपका नाम आ जाता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करना, अगर आपका नाम इसमें आ जाता शो हो जाता, तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है, जो मैंने आपको बताया था। उसके ठीक नीचे जो है एक नोटिस जो है रिलीज किया गया है, उस नोटिस को डाउनलोड करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना। अगर अपलोड नहीं कर पाते हैं टाइम पे,
तो आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड अपलोड कब तक करना है मैं आपको बता दूँ, 31 जनवरी से पहले करना है, उसके बाद आपका जो है नहीं एक्सेप्ट होगा। तो मेक श्योर कि आप 31 जनवरी से पहले कर लें अगर आपका नाम इसमें शो करता है। तो गाइज़ फिलहाल आज के लिए इतना ही, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है इसको जो आप लाइक करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी तो फिलहाल एक का रिजल्ट आया है, बाकी जैसे ही रिजल्ट या कोई अपडेट्स आती है लेटेस्ट अपडेट्स बिहार एलआरसी से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।